आने वाले 5 वर्ष में देश के लगभग 15 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के लिए काम तेजी से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन को चोरों की नजर लग गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए सरकार जहां जद्दोजहद कर रही है, वहीं बड़े बड़े चोर और नंबर दो की कमाई करने वाले सरकार की इस योजना का सामान चुराकर मालामाल होने में जुटे हुए हैं। चित्रकूट पुलिस ने कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां पाइप चोरों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले पाइपों को खरीद कर उनसे जल जीवन मिशन का मार्का काटकर अपनी कंपनी का मार्का जोड़ने के बाद उसे बाजार में बेच दिया जाता था। चित्रकूट पुलिस ने कंपनी के मालिक ब्रजकिशोर गुप्ता व उनके सहकर्मी श्री गोपाल उर्फ अमन राजपूत को रायपुरा कस्बे से गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनकी कानपुर स्थित कंपनी से चोरी के 104 DI पाइप व 10 नग डबल फ्लेंच पाइप सहित काफी सामान बरामद हुआ है। चित्रकूट से निरंतर चोरी हो रहे जल जीवन मिशन से संबंधित पाइप के साथ पूर्व में पुलिस ने जिन चोरों को पकड़ा था उनसे पूछताछ के बाद यह जानकारी मिली थी। जिस DCM का प्रयोग दिल्ली और पंजाब के इन चोरों ने किया था वह DCM चित्रकूट जनपद से कानपुर देहात स्थित डिलाइट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कई बार आई गई है। वैसे तो कानपुर की यह कंपनी व्यापक स्तर पर प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, लेकिन चोरों द्वारा जल जीवन मिशन के पाइपों को इस कंपनी के द्वारा औने पौने दाम में खरीदा जाता था और फिर पाइप के उन हिस्सों को काट कर जिस पर जल जीवन मिशन से संबंधित स्टिकर लगा होता था पुनः फ्लेंच से जुड़कर उस पर नया पेंट कर ISI व डिलाइट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का मार्का लगाकर बाजार मूल्य में पुनः बिक्री कर दिया जाता था। कानपुर की इस कंपनी के तार बिहार एवं झारखंड की फरवरी 2022 में रचित शेल कंपनियों से भी जुड़े पाए गए हैं। यह कंपनियां फर्जी GST बिल वाउचर तैयार कराकर डिलाइट इंटरप्राइजेस को उपलब्ध कराती थी, जो कि पुलिस की जांच में झूठी पाई गई हैं। पुलिस इन सेल कंपनियों की और गहनता से जांच कर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। अब तक गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व NSA की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। एक बहुत बड़ा अंतर्राज्य गिरोह है जो निरंतर विभिन्न ट्रक से आके रात में पाइप चुरा के ले जा रहा है और कानपुर देहात में स्थित डिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि स्वयं प्लास्टिक पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्होंने एक भाग अपने फैक्ट्री में कारखाना एक किस्म का बना रखा है जहाँ पे वो ये DI पाइप्स प्राप्त कर रहे हैं और पाइप का वो हिस्सा जिस पे जल जीवन मिशन की ब्रांडिंग हुई होती है उसको काट के अलग कर देते हैं और अपने फ्लेंच जोड़ देते हैं और उसके बाद अपना मार्का उस पे लगा के उनको आगे बेच रहे हैं। इनकी क्वांटिटी तो जो बरामद की गई है पूर्व में चित्रकूट पुलिस द्वारा 200 पाइप्स पूर्व में बरामद की गई है एवं अब जो कारखाना हमारे द्वारा सील कर दिया गया है उस फैक्ट्री का उसमें 104 DI पाइप्स बरामद की गई। जब इस फैक्ट्री पे दबिश दी गई और उनके सभी कैश वाउचर्स एवं अन्य कागजी दस्तावेज चेक किए गए तो ये भी सामने आया कि बिहार एवं झारखंड में स्थित दो शेल कंपनियां जो कि हाल ही में फरवरी 2022 में गठित हुई हैं वो उनके लिए झूठे GST इन्वॉइसेस तैयार कर रही हैं। हम यही प्रयासरत हैं कि ये जो शेल कंपनियां इनसे जुड़ी हुई हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को सहयोग दे रही हैं हम उनका भी खुलासा करें एवं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही। तो ये जैसे जैसे हम इनका एक फाइनेंशियल ऑडिट कराएंगे और जितने भी हम इनके डॉक्यूमेंट सीज करके लाए हैं उनका गहनता से परिशीलन होगा तो इसका और अच्छा बेहतर अनुमान हमें हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृश्य जितनी पाइप्स वहाँ पे पाई गई उससे ऐसा लग रहा है कि आसानी से 20 से 25 लाख का माल